में 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके दो कंपलसरी पेपर होते हैं और तीन ऑप्शनल पेपर होते हैं। टोटल पेपर ऑप्शनल पेपर 13 हैं, उनमें से अपने कॉलेज में तीन पेपर बच्चों के लिए चला रहे हैं। तो कंपलसरी पेपर पहला कंपल्सरी पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। दूसरा कंपल्सरी पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। दोनों पेपर सभी विद्यार्थियों को लेना है, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट। इसके बाद तेरह ऑप्शनल पेपर हैं, उन 13 में से तीन पेपर लेने होंगे। प्राइवेट विद्यार्थियों को कोई भी तीन पेपर इन 13 पेपर्स में से लेने होंगे। वो इस प्रकार है, पहला जो पेपर है वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। एंटरप्राइजेज पहला ऑप्शनल पेपर है, दूसरा ऑप्शनल पेपर है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन तीसरा पेपर है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा चौथा पेपर है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अंतरराष्ट्रीय विपणन फाइनेंशियल
प्रबंध मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध। छठा पेपर है स्टॉक एक्सचेंज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट उत्पादन प्रबंधन। आठवां पेपर है मटेरियल मैनेजमेंट सामग्री प्रबंधन। नौवां पेपर है मार्केटिंग रिसर्च विपणन अनुसंधान। अपने यहाँ कॉलेज में नियमित विद्यार्थियों के लिए विपणन अनुसंधान पेपर ऑप्शनल पेपर में पहला पेपर चला रखा है 9 नंबर का पेपर। दसवां पेपर है विज्ञापन प्रबंध एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ये दूसरा पेपर अपने महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए अपने महाविद्यालय में ये पेपर लेना पड़ता है। ग्यारहवां पेपर है टूरिज्म मैनेजमेंट। ये अपने महाविद्यालय में ये पेपर नहीं चला रखा है। बारह नंबर का पेपर है बिजनेस रिसर्च मेथड और मार्क। 13 नंबर का जो पेपर है लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास। ये टोटल 13 ऑप्शनल पेपर हैं, 2 कंपल्सरी पेपर हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आपको समझाने के लिए। अपने महाविद्यालय में एम कॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंपल्सरी पेपर जो रेगुलर और प्राइवेट सभी विद्यार्थियों को लेने होंगे। पहला कंपल्सरी पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन। दूसरा कंपल्सरी पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चाहे विद्यार्थी रेगुलर हो या प्राइवेट सभी को ये पेपर लेना कंपल्सरी है। टोटल 5 पेपर होते हैं आपके। इनमें 9 नंबर का पेपर मार्केटिंग रिसर्च
ये अपने महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए है। दूसरा 10 नंबर का पेपर एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट अर्थात विज्ञापन प्रबंध, और तीसरा महाविद्यालय के रेगुलर विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विभाग। तो ये तीन पेपर अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लेना होता है। ये दो पेपर कंपल्सरी और तब 5 पेपर आपके महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए लेने होते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, इन ऑप्शनल पेपर में से कोई भी 3 ऑप्शनल पेपर ले सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन अपने महाविद्यालय में जो महाविद्यालय ने चला रखे हैं पेपर मार्केटिंग रिसर्च एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये पेपर नियमित विद्यार्थियों के लिए हैं। अब आगे इन 5 का सिलेबस मैंने आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया है, आप इनका सिलेबस डिटेल से कंपल्सरी पेपर दोनों का, ऑप्शनल पेपर 3 जो हैं, इन तीनों का सिलेबस डिटेल से मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, वो आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं।